गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का ब्यूटीफुल वेदर है और मैं आपके साथ अपने डॉग फ्लावर्स की अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। ये आप पिंक कलर के जो फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मैंने सब सीड्स से ग्रो किए थे और बहुत अच्छा ब्लूम दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, गुच्छों में फ्लावर्स की खिल रहे हैं। पीछे वाइट फ्लावर्स भी हैं और भी पीछे फ्लावर्स हैं, पूरा मतलब आपका ये पूरा बंच बना हुआ है। और भी मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर भी कुछ वाइट एंड पिंक फ्लावर्स हैं और ये देखिए पीच कलर के फ्लावर्स हैं। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल पीच कलर है। यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स हैं, ये देखिए पिंक एंड वाइट, ये भी कुछ फ्लावर्स हैं, वाइट एंड पिंक मिक्स, देन पिंक, दिस इज़ लाइट पिंक, और यहाँ पर देखिए पीच कलर में मिक्स फ्लावर है, बहुत ही सुंदर। ये आप देखेंगे आगे, ये भी मुझे बहुत पसंद है, येलो एंड रेड मिक्स, बहुत ही प्यारा लगता है ये येलो एंड रेड। आगे देखें, येलो, वाइट, लाइट पिंक, फर्दर येलो, यहाँ पर देखिए येलो पूरा बंच है, पूरा खिला हुआ, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। देन दिस रेड, दिस येलो, वाओ ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये। और देखिए रेड मिक्स हैं कुछ फ्लावर्स, ऊपर भी मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर भी कुछ फ्लावर्स हैं। ये भी देखिए डॉग फ्लावर्स हैं, वाइट एंड पिंक मिक्स, सुंदर लगते हैं। और पूरा बंचेस में पूरा खिला हुआ कुछ है, ये देखिए पूरा खिला हुआ है। ऊपर के कुछ फ्लावर्स हैं, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगते हैं। और भी मैं दिखाती हूँ आपको इसी साइड, ये पीछे वाइट एंड पिंक है। सो इन फ्लावर्स को लेकर मैं कुछ बताना चाहूँगी। ये फ्लावर्स मैंने सितंबर के मंथ में, सितंबर एंड में सीड्स से ग्रो किए थे और मैंने सीड्स लगाए थे सो दैट कि टेम्परेचर इनको प्रॉपर मिल सके। टेम्परेचर 25 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर हीट होती है तो भी इनके लिए जर्मिनेशन के लिए बेटर नहीं है, और उससे कम अगर टेम्परेचर होता है तो भी ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। मैंने इनको सितंबर में ग्रो किया था, सितंबर एंड में, और विद इन 10 to 15 डेज छोटी छोटी सैपलिंग्स आपको मिल जाएंगे, इसमें दिख जाएंगे। लेकिन उसके बाद नवंबर, इनफैक्ट दिसंबर के बाद आपको ज़्यादा ग्रोथ इनमें दिखाई नहीं देगी। फ्लावरिंग का टाइम इनका यही है, फ्लावरिंग ये इसी मार्च के मंथ में देते हैं, थोड़ा सा जब वार्म वेदर हो जाता है तब इनकी फ्लावरिंग बहुत सुंदर आती है। और मेरा टेक यही है इसके बारे में, या मैं यही बताना चाहूँगी, बहुत ईजी टू ग्रो हैं, बहुत आसानी से आप इनके सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती प्लांट को, बस एक रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत ग्रो कराने के लिए या इनको रेगुलरली, इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मैंने इनमें क्या डाला, तो मैंने एक DAP का लिक्विड सॉल्यूशन इनको मैं हर हफ्ते दे देती हूँ। लिक्विड सॉल्यूशन जो है उससे बेटर ग्रोथ हो जाती है और बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। ये देखिए अभी भी इसके अंदर और भी बर्ड्स बन रही हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये भी इसमें बर्ड्स बन रही है। और सीड्स कलेक्ट करने के लिए भी देखिए, अभी ये देखिए आप, ये पूरा इसमें पहले ब्लूम हो चुका है, स्पेंट हो चुके हैं फ्लावर। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इसको यहाँ से कट कर दें इस एरिया से, सो दैट कि इसकी एनर्जी अभी सीड्स में कंज्यूम ना हो। जैसे फ्लावर में, फ्लावर जब स्पेंट होते हैं तो वो जो उसका जो बल्ब है, जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है, जैसे अभी ये बर्ड्स बन रही हैं, लेकिन जब इसमें फ्लावर ब्लूम हो जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग, और देन एक बल्ब ग्रो करना शुरू करता है जिसके अंदर सीड्स बनते हैं। और ये सीड्स जो हैं ये आप नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है। अभी क्या है, अभी तो ये फ्लावरिंग सीज़न है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, तो इस टाइम पे आप इसकी सिर्फ ये वाले जो, ये जो मोटे वाले बल्ब हो जाते हैं जिनमें, जो इनका ब्लूम हो चुका है मगर वो सीड बल्ब्स बनना शुरू हो रहे हैं, तो उनको आप रिमूव कर सकते हो ताकि इसकी कंटिन्यूस ब्लूमिंग चलती रहे, कंटिन्यूस फ्लावर्स आते रहें। और जब सीज़न ख़त्म होने वाला हो, जब आपको लगे कि हाँ अब
टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, नाउ दे विल नॉट फ्लावर, तो आप इस तरीके की जो आर्म्स होती हैं, इस तरीके की आर्म्स, इनको सेव रखें, इनको आप काटें नहीं, आप काटेंगे नहीं तो ये जो बल्ब्स बन रहे हैं, जो सीड बल्ब्स बन रहे हैं, इनमें अपने आप ये ड्राई होके एक होल बना लेते हैं और उसके अंदर से सीड्स आप वापस नेक्स्ट सीजन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं। सैपलिंग्स लगाने की, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और भी बीज लगाए हैं, सैपलिंग्स लगाने के लिए आप क्या करें या सीड्स लगाने के लिए आप क्या करें, इस तरीके का एक मिक्सचर बनाइए। इसके अंदर कुछ कंपोस्ट शामिल है, कुछ ड्राई मिट्टी है और कुछ कोकोपीट है। जो मैंने मिट्टी और कंपोस्ट का जो लेयर बनाया था उसके ऊपर मैंने सीड्स को स्प्रेड किया और उसके ऊपर एक लेयर कोकोपीट की स्प्रेड कर दी, सो दैट कि उनके ऊपर बहुत हैवी वेट भी ना आए सीड्स के ऊपर और वो अच्छे से जर्मिनेट भी कर सकें। सो बहुत ईजी होता है इन्हें ग्रो करने के लिए। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने टेरेस गार्डन में इनको ज़रूर ऐड करें और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, मल्टी कलर्ड हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।